बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे टॉपिक का नाम है मेमोरी। इस वीडियो में मैं आपको मेमोरी के बारे में बताऊंगी कि मेमोरी क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मेमोरी। इन अ कंप्यूटर मेमोरी इज़ वन और मोर सेट्स ऑफ चिप्स दैट स्टोर डाटा एंड और प्रोग्राम इन इंस्ट्रक्शंस आइदर टेम्पररीली और परमानेंटली। कंप्यूटर में मेमोरी क्या है? आपकी एक या एक से ज़्यादा चिप्स होती हैं जिन्हें हम मेमोरी कह रहे होते हैं, यानी आपकी मेमोरी एक या एक से ज़्यादा चिप्स से मिलके बनी हुई होती है। और उस मेमोरी का मकसद क्या होता है कि उस पर आप डाटा और प्रोग्राम्स को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं। अब वो स्टोरेज परमानेंट भी हो सकती है और वो स्टोरेज टेम्प्ररी भी हो सकती है। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपनी डाटा, इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम को टेम्प्ररी या परमानेंट स्टोर करवाते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब हम देखते हैं कि मेमोरी के कितनी टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्ट इन मेमोरी। बिल्ट इन मेमोरी की दो टाइप्स होती हैं, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट। सम मेमोरी चिप्स रिटेन द डाटा दे होल्ड। कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जिनमें आपका डाटा रहता है। कब रहता है? कि अगर आपने कंप्यूटर को टर्नड ऑफ भी कर दिया है, यानी अगर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया है, तो भी उनमें डेटा क्या रहेगा? सेव रहेगा। Even when the computer is turned off, this type of permanent memory is called non-volatile. इस किस्म की मेमोरी को हम क्या कहते हैं? Non-volatile memory कहते हैं, यानी ये हमारी permanent memory है। अगर आपकी light चली जाती है तो जो कुछ भी आपने अपने computer में save किया था वो आपके computer में as it is रहेगा, वहाँ से delete नहीं होगा बल्कि वहीं पर मौजूद होगा। Other chips, in fact, most of the memory in a microcomputer lose their content when the computer's power is shut off. This type of non-permanent memory is called volatile. जबकि जो दूसरी चिप्स हैं, दूसरी मेमोरी की कैटेगरी है, वो क्या होती है कि अगर आपकी लाइट ऑफ हो गई, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो आपकी मेमोरी में जो कुछ भी डाटा था वो वहां पे सेव नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा? वहां से डिसअपियर हो जाएगा। इस तरह की मेमोरी टाइप को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल भी कह सकते हैं और इसको नॉन परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जैसे ही लाइट ऑफ हुई या आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ, वहां आपकी मेमोरी में जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस थी वो वहां से गायब हो जाएंगी। तो इस तरह की मेमोरी आपके पास वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमने दो तरह की मेमोरी देखी, वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। दोनों मेमोरीज में क्या आपका डाटा स्टोर होता है? एक मेमोरी में, नॉन वोलाटाइल मेमोरी में, परमानेंट स्टोरेज है आपकी डाटा और इंस्ट्रक्शंस की, जबकि वोलाटाइल मेमोरी में आपकी जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस हैं वो टेम्प्रेरी आपकी मेमोरी में स्टोर होती हैं। ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।